देखिए आज सुबह से एनएसआर ने प्रोपेगेंडा चलाया है कि जो हमारे प्रेसिडेंट है डूसू के जो प्रेसिडेंट है जिनको स्टूडेंट का मैंडेट मिला है जो स्टूडेंट की इच्छा से ये डेमोक्रेटिक तरीके से चुनकर उनके बीच में आए हैं उसको उन्होंने टारगेट करने के लिए एक मुद्दा चलाया है उनकी डिग्री के ऊपर उनकी मार्कशीट के ऊपर। इसमें हमारा बहुत क्लियर स्टैंड है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का अपना एक प्रोसीजर है, दिल्ली यूनिवर्सिटी उस प्रोसीजर को सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने के बाद ही किसी भी स्टूडेंट को एडमिशन देती है। अंकित बसोया का एडमिशन भी उसी प्रोसीजर को फॉलो करने के बाद हुआ है और अंकित बसोया का एक फेयर एडमिशन है। दूसरा जो डॉक्यूमेंट एनएसयू आप लोगों के बीच में पोर्ट्रेट कर रही है और आप लोगों के बीच में दिखा रही है कि हम इस डॉक्यूमेंट के बेसिस पे बोल रही है कि उसकी डिग्री फेक है, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग एक बार इस डॉक्यूमेंट को देखो। अगर हम उसके टॉप पर देखेंगे तो कोई भी डेट वहां पर मेंशन नहीं है, जबकि गवर्नमेंट का ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं होता जो ऑफिशियल होता है उस पर डेट मेंशन नहीं होती। दूसरी चीज, जब भी आरटीआई का रिप्लाई दिया जाता है तो आरटीआई किसने फाइल की है उस व्यक्ति को एड्रेस करते हुए आरटीआई का रिप्लाई आता है। सेकेंड चीज, जो भी लेटर नंबर जिसके भी रेफरेंस में आरटीआई का रिप्लाई आ रहा है वो रेफरेंस नंबर भी लेटर में मेंशन होता है, लेकिन ये दोनों ही चीजों लेटर में मेंशन नहीं है, इसलिए हमारा क्वेश्चन सीधा सीधा उसकी क्रेडिबिलिटी पर है।